अहम खबर आपको दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत पीटीआई के वकील का अदालत के बाहर बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकील के हमले में खावर मानिका ज़मीन पर गिर पड़े। ये वाक़या पेश आया है सेशन अदालत के बाहर जिस वक्त ये समाअत हुई थी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये क्या वाक़या है जो कि अदालत के बाहर पेश आया? जी बिल्कुल, जैसे ही खावर मानिका जो कि इद्दत निकाह केस में शिकायत कुंदा हैं, जैसे ही अदालत से बाहर निकले, क्योंकि अदालत में खावर मानिका की जानिब से कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिस पर जो वकील पीटीआई हैं वो काफी उन्होंने अदालत में भी शोर शराबा किया। जैसे ही खावर मानिका समाअत खत्म हुई तो बाहर निकले, तो हाथा कचहरी में ही वकला घर में यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही खावर मानिका क्योंकि अदालत के बाहर निकले, जबकि वो अदालत के अंदर मौजूद थे, जैसे ही समाअत खत्म हुई तो अदालत के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो कारकुनान अंदर मौजूद थे उनकी जानिब से खावर मानिका पर पानी की बोतलें जो हैं वो भी फेंक की और अदालत के अंदर भी हमला करने की कोशिश की गई। और जैसे ही समाअत खत्म हुई तो उसके बाद खावर मानिका निकलने लगे तो अदालत का दरवाजा बंद करके भी उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई, उन पर हमला भी किया गया। जैसे ही वो कमरे अदालत से बाहर आए, कमरे अदालत से बाहर आए तब भी हमला किया गया। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए।